हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल भी ऑलराउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे फ्री डिश कार्ड के ऊपर है कि हम अपने जो फ्री डिश कार्ड है उसे हम उसकी पावर सप्लाई से ना चला के क्या हम उसे लिथियम आयन सेल से चला सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें कि उन्हें उसे जो है चला के दिखाया जाता है लिथियम आयन सेल से। तो क्या ये प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और इसकी क्या मेरिट और डीमेरिट हैं, क्या हम इसे ऑपरेट करा सकते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि ये कितना आपका सक्सेसफुल है और कितना इसका नुकसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लिथियम आयन सेल के बारे में, अगर हम इसे चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो अगर आप इसे ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। उसकी मैं आपको एक वजह बता दूं, क्योंकि जो भी चीज़ है अगर आप वो 12 वोल्ट 24 वोल्ट इस तरह के अगर डीसी में पावर सप्लाई से कन्वर्ट करके चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसे बैटरी से भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो इस तरह के जो वीडियोज़ होते हैं वो सिर्फ एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या कुछ है, एक अपनी क्रिएटिविटी है इंसान की, हो सकता है वो सही भी हो और अगर वो इस चीज़ को बनाते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से चलाना का अब बात आती है उसकी लॉजिकल, क्या वो लॉजिकल है। तो आप अगर 12 वोल्ट से कोई भी चीज़ है, अगर आप एक बल्ब है तो आप अगर उसे एडॉप्टर से चला पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसे बैटरी से भी चला सकते हैं। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गई। तो ये कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसे सेल से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके जो मेरिट और डीमेरिट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने जो हमारी पावर सप्लाई होती है और लिथियम आयन सेल होते हैं, इन दोनों की अगर हम कॉस्ट कंपेयर करते हैं तो हम अगर 3 सेल उसमें लगाए जाते हैं 12 वोल्ट बनाने के लिए, तो 3 सेल अगर आप लगा रहे हैं तो 3 सेल अगर आपको एक सेल 50 रुपये का ही पड़ रहा है तो ये आपके 150 रुपये की कॉस्ट हो गई। तो 150 रुपये की कॉस्ट में आप सेल ले रहे हैं और उस 150 रुपये के बाद आपको उसे चार्ज करने के लिए एक एडॉप्टर भी चाहिए होगा, वो भी कम से कम आपका 100 रुपये का आएगा, और उस 100 रुपये के बाद आपको उसको बैलेंस चार्ज करना पड़ेगा तीनों बैटरीज को, या तो वो बैटरी ख़राब हो जाएंगी अगर आप बैलेंस चार्ज नहीं करते हैं उसे। उसे बैलेंस चार्ज करने के लिए आपको एक BMS लगाना पड़ेगा, तो BMS भी कम से कम 150 रुपये का आएगा। तो टोटल कॉस्ट अगर हम एवरेज देखते हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 150 रुपये के सेल और 150 रुपये का आपका BMS और 100 रुपये का चार्जर, ये तीनों चीज़ें मिला के आपका लगभग 400 रुपये का लगभग बैठता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉजिकल क्यों नहीं है। प्रैक्टिकल आपको सिर्फ ऑपरेट हो गया वो लोग दिखा देते हैं, लेकिन इसमें एक इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट ये है, इसमें आपको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलेंगे। उसको मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप अपनी पावर सप्लाई लेंगे तो पावर सप्लाई इसके कंपेयर में आपको 100 से 150 रुपये के अंदर मिल जाती है। यहाँ आपको ये जिसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 400 रुपये की पड़ रही है, और पावर सप्लाई की जो कॉस्ट है वो आपको 100 से 150 रुपये के अंदर पड़ रही है। तो पावर सप्लाई एक बेटर ऑप्शन और सस्टेनेबल ऑप्शन और इसके मुकाबले चीप ऑप्शन आपके लिए है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो पावर सप्लाई होती है उसमें 3.3 वोल्ट का लगभग उसमें एक वायर होता है जो कि आपको कार्ड को ऑपरेट कराने के लिए दिया जाता है, एक 12 वोल्ट का वायर होता है जो कि आपके LNB को सिग्नल के लिए दिया जाता है वर्टिकल सिग्नल्स के लिए, और एक 24 वोल्ट का वायर होता है जो कि आपके हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स की स्विचिंग के लिए दिया जाता है। अब अगर आप उसे सेल से चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन 24 वोल्ट की स्विचिंग नहीं मिलेगी हॉरिजॉन्टल जो आपके सिग्नल्स हैं उनके लिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही हो गई कि आपको ऑपरेट हो जाएगा लेकिन सिर्फ वर्टिकल सिग्नल्स आपके जो चैनल हैं जिन पे वर्टिकल सिग्नल्स के जो चैनल आते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टल वाले पे स्विचिंग करेंगे तो हॉरिजॉन्टल पे स्विचिंग नहीं हो पाएगी 24 वोल्ट की वजह से, और LNB को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, और आपके जो वो चैनल हैं वो प्रॉपर सिग्नल नहीं आएंगे उस पे और वो साफ नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट हो गई, ये आपको कोई नहीं बताता है चैनल पे, सिर्फ चला के दिखा दिया जाता है। इसलिए मैं ये प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को पूरी एक एक चीज़ को समझ सकें, क्योंकि कंपनी कोई जो भी बना रही है आपका ये जो पावर सप्लाई बना रही है वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि वो अगर 24 वोल्ट का कोई काम ही नहीं है तो 24 वोल्ट क्यों दे रहे हैं। कि हमने 12 वोल्ट पे चला के दिखा दिया उसे बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कुछ चैनल जो हैं आपके वो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी और कुछ चैनल्स पे हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब आप चैनल चेंज करते हैं तो ये स्विचिंग होती है, ये स्विचिंग पावर आपका जो पावर सप्लाई है उससे स्विचिंग अपने आप कार्ड में होती रहती है। तो अगर आप उसे सेल से चला रहे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ पे 24 वोल्ट और आपके आधे चैनल चल पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के वीडियोस से बचा करें, और कोई अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ी है कि इसकी लिमिटेशंस हैं और कॉस्ट ज़्यादा है, सस्टेनेबल है नहीं,
आपको भी एमएस की भी ज़रूरत है और सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो इस तरह से नहीं है। तो आप इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप 100 रुपये के अंदर अपनी एक पावर सप्लाई ले लें, उससे आप चला लें, तो आपकी स्विचिंग भी बेटर रहेगी, सिग्नल भी आपके प्रॉपर आएंगे और वो आपका एक प्रॉपर सारे चैनल आपके उसमें चलते रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ यही बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी जो है ऊपर शो हो रही है उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।